नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और श्रम विभाग कार्यालय के अंदर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा श्रम विभाग कार्यालय बांदा का है, जहां पर आज निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मजदूरों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और उप श्रम आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री यूपी सरकार को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मजदूरों ने बताया है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनका ध्यान चित्रकूट धाम मंडल बांदा उप श्रम आयुक्त कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाते हैं और कई मांगों से अवगत भी करवा रही हैं। जी, किन मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर? हम लोग श्रम विभाग में मजदूरों का जो कर्म कल्याण बोर्ड का योजना है, इस योजनाओं में चित्रकूट धाम मंडल बांदा के जो श्रम कार्यालय है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ जो रियल में मजदूर हैं, ओरिजिनल मजदूर हैं, उनके फार्म दो दो साल तीन तीन साल से डंप पड़े हैं, और जो मजदूर नहीं हैं उनको 50% में पैसा ले करके और उनका पैसा तत्काल भेज दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो मजदूरों को फार्म में शिशु लाभ में दो बार पैसा दिया जाता है, लेकिन जो बिचौलियों के माध्यम से फार्म आता है वो पूरा धनराशि एक एक किस्त में दे दी जाती है 52,000, ताकि उसमें 27,000-25,000 रुपया सीधे कमीशन है। और चिकित्सा योजना में लॉकडाउन भत्ता में पूरे पैसे को मजदूरों के नाम चढ़ाया गया है और उस पैसे को अपने बैंक खाते में इन्होंने धीरे से ट्रांसफ़र कर लिया है, मजदूर के खाते में नहीं किया है। कोई भी मजदूर यहाँ है सब पैसा को लूट लिया है इन लोगों ने। उसी के खिलाफ हम लोग माननीय कर्म कल्याण बोर्ड में हमने 15 नवंबर को दिखा दिया था, उस संबंध में जांच भी आई हुई है, लेकिन हमें उनसे पूर्ण उम्मीद नहीं है, अलग सत्य जांच करेंगे। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसी पत्र के संदर्भित बनाने हुए हम लोगों ने माननीय DLC महोदय के ही द्वारा हम लोगों ने संदर्भित किया। अगर आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो अन्यथा की दशा में क्या करेंगे आप? हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा तो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के नेता हैं, इस पर हम पूरे उत्तर प्रदेश से यूनियनों से हमारी बातचीत हो चुकी है और हम विधानसभा के इको गार्डन से लेकर के और कर्म कल्याण बोर्ड तक का हम घेराव करेंगे। अभी आज क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आज क्या आश्वासन मिला है अभी आप लोगों को? आज यहाँ हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, गुंडागर्दी का आश्वासन मिला है। किस तरह का? मारपीट करने का, कि यहाँ हमारा काम डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ आने का, ये लोकतंत्र भी अपने जेब में रख लिए, मजदूरों का बोलना भी हक नहीं है इनके यहाँ, यही आश्वासन मिला है। हमें जिला अधिकारी से मिल करके इनके सारे लोगों के ऊपर FIR कराएंगे, क्योंकि इतने लोगों के बीच में ये लोग बदतमीजी किए हैं हम लोग के साथ। बताइए साथी, ये बदतमीजी कर रहे हैं सब, सारे के सारे मजदूर निकल के अधिकारी ये बदतमीजी कर रहे थे। इनके पास सर गुंडा है, गुंडा पाल रखा है लोगों ने, मुझे उठवा ले जाएंगे। 8,500 रुपया पाने वाला ट्रक खरीद लिया है, चार पहिया खरीद लिया है, प्लाट खरीद लिया है। सर, अभी कुछ मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? ये निर्माण मजदूर यूनियन है इनका, इनके जिला मंत्री रामप्रकाश यादव जी, तो इनकी कुछ शिकायतें हैं, तो इस संदर्भ में भी ज्ञापन ले लिया गया है और इस पर जो भी इनकी कार्रवाई होगी जितनी जल्द से होगी सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या प्रमुख मांगे थी इन लोगों की? ये अभी अभी हमें ज्ञापन जस्ट अभी मिला ही है, अभी इनकी मांगे मुझे लग रहा है कुछ योजनाओं से संबंधित है, शिकायतें इनकी कि लंबित हैं, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, या कुछ योजना इन्होंने कह रखी जैसे चिकित्सा वाली है, जो हालांकि वो बंद हो चुकी है, जून तक के को ही दिया गया है, जून के बाद उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी तो कुछ यह है, अब इसकी ज्ञापन इसको पढ़ के इनका जो भी शिकायत का निवारण होगा यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। सर, कुछ मजदूर ने तो आरोप भी लगा रहे हैं कि श्रम विभाग में पैसा भी लिया जाता है, इस तरह से कुछ नहीं? देखिए, आरोप अगर लगाया जा रहा है तो उसकी जाँच हमारे स्तर पर होती रहती है, और कोई भी अगर इस तरीके का पाया
पकड़ा भी जाता है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं कह रखू मैं 10 से 12 कार्यालय में बैठता हूँ, सीधे आकर के मुझसे मिले, और ये मैं बार बार कहता हूँ जो भी हमारे कार्यालय आता है उसकी सुनवाई होती है, जो उसकी कमियाँ होती है उनको बताई भी जाती है और उसको योजना का लाभ भी दिया जाता है। जो योजनाएं सर अभी चालू है उनके भी लाभ नहीं मिले मजदूरों को, तो इसका क्या कारण? जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग सिर्फ निर्माण श्रमिकों को दे पाते हैं। जैसे कोई गरीब है, कोई नाई है, कोई मोची है, वो आकर के योजना के लिए अगर मुझे कर देता है, लाभ के लिए आवेदन कर देता है, लेकिन उसकी जांच हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी करते हैं कि वो पात्र है कि नहीं है। उसके बाद हम जा करके रिपोर्ट लगने के बाद ही उसको आवेदन का लाभ मिल सकता है। उस जांच में कई बार समय लग जाता है, कोरोना काल रहा इस वजह से कुछ योजनाएं लंबित रही, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सकती है, इसकी समीक्षा भी हम लोग की बैठक होती है, जल्द से जल्द हम उसको सर। शुभ नाम आपका? रविश गुप्ता, सहायक श्रम आयुक्त। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।